संतों का कहना है जैसा खाए मन वैसा बने मन, जैसी पानी वैसी निकली बवाल। बड़ा ही सरल शब्द है। हम जीवन में बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ते हैं, बड़े बड़े सत्संग का आयोजन करते हैं, आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं, मन को साफ करने की चर्चा करते हैं, अनेक प्रकार के उपक्रम हम करते हैं अपने इस जीवन को बनाने के लिए, संवारने के लिए। किंतु छोटी छोटी बात है जिस पर हम ध्यान नहीं देते और ध्यान न देने के कारण जीवन में शरीर में अनेक प्रकार के रोग व्याधियां कष्ट आते हैं। हमें लगता है ये बात बहुत छोटी है, मतलब वो छोटी बात एक बहुत बड़े डैम जहां पानी भरा हो, बड़ा सा बांध हो और उस बांध में केस के बराबर जो बाल होते हैं उस बाल के बराबर भी यदि छेद हो जाए तो धीरे धीरे करते करते वो छेद बहुत बड़ा हो जाता है और फिर वही छोटा सा छेद उस बड़े से बांध को तोड़ देता है और फिर बहुत बड़ा नुकसान होता है, पूरी बात जाती है। वो किस कारण से था? एक छोटे से छेद के कारण, जिसको हमने छोटा समझ लिया। संतों ने कहा है कि तिनका कबहू न दीजिए। क्या है ये? सही तरीके से भोजन न खाने से और सही तरीके से पानी न पीने से इसका कारण है। इसीलिए तो कहा है कि जैसा खाया है वैसा बने। हम जिस प्रकार से अन्न खाते हैं उसी प्रकार से हमारा मन बनता है। सदगुरु श्री अविनाश साहब जी जो कभी पारस संस्थान इलाहाबाद के संस्थापक हुए, उन्होंने अपने आश्रम में अपने संत अपने ब्रह्मचारी जो शुरुआत में जाते थे वहां उनको एक एक बात सिखाते थे। कहां पर बैठना है, कैसे बैठना है, झाड़ू कैसे लगाना है, ब्रश कैसे करना है, पोछा कैसे लगाना है, रोटी किस प्रकार से सेकनी है, भात किस प्रकार से बनाना है, सब्जी किस प्रकार, एक एक चीज पर। हमें लगता है कि बहुत छोटी बात है, लेकिन ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि छोटी छोटी सद्गुरु कबीर ने कहा है कि कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करो। वो करोड़ रुपया भी हो तो करोड़ रुपया में सबसे पहले एक आता है। एक रुपया को बिना जुटाए वो एक करोड़ पूरा नहीं हो सकता है। यदि एक करोड़ में से एक रुपया हटा दिया जाए तो फिर वो एक करोड़ नहीं कहलाएगा, फिर उसकी गिनती कम हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में एक एक विचार, एक एक सद्गुण, एक एक सावधानी हमें महान बनाता है। तो हमें भोजन कैसे बनाना है ये सिखाते थे। आजकल हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में जैसे तैसे आटा गूंथे, आग जला दिए गैस पर या चूल्हे पर, इसी तरह आप भगत भाई तवा गर्म हो गया, रोटी पलट दिए, ऊपर से जल गए, भीतर से कच्ची रहेगी रोटी। अब उस रोटी को हम खाते हैं तो क्या होगा, क्योंकि वो रोटी बढ़िया से पकी नहीं है और हमारा जो शरीर है वो पके हुए चीज को ही पचा सकते हैं। अब हमने कच्चे कच्चे खा लिए, अब वो पेट को भर गया, लेकिन कुछ देर बाद में जब समय आएगा तो वही पेट को गड़बड़ी करेगा, फिर वो कब्ज होगा, फिर गैस होगा, फिर हम डॉक्टर के पास दौड़ेंगे। थोड़ी सी सावधानी हम कर लेते, बढ़िया सा समय लगा करके उसको बढ़िया से सेक लेते, उसके बाद खाते थे, बढ़िया सुपाच्य बन जाता, फिर उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती। लेकिन हमारे पास समय कहां? यहां इस सत्संग में आपको अध्यात्म के बारे में बताने वाले मिलेंगे, आत्मा और परमात्मा की चर्चा करने वाले संत हैं, किंतु आपको जीवन कैसे जीना है, भोजन कैसे करना है, इसको सिखाने वाले नहीं मिलेंगे। ये तो पारसी संतों की कृपा है जो हमारे जीवन के एक एक अंग को हमें दर्शाते हैं।
कि भोजन कैसे बनाना है, कपड़ा कैसे पहनना है, इस सब को हमारे संत जन सिखाते हैं। हम जब स्नान करने जाते हैं, शौच करने जाते हैं, तब क्या करते हैं? शौच किए, शौच करके धोलिए, उसके बाद ना हाथ धोए, ना साबुन से मांजे, ना मिट्टी से मांजे, बस उसी तरह अपने दरवाजे को छू रहे हैं, कपड़े को छू रहे हैं, खाने पीने की चीज को छू रहे हैं। कितनी अशुद्धता की बात है। कल हमारे एक साथी भोजन कर रहे थे, हम लोग बैठे बैठे, और हमारे साथी धीरज साहब, उन्होंने कहा कि भोजन जो है जब पारस करते हो संतों को तो हाथ में न लिया करो, हमारे संत से, और उनको बुरा लगेगा तो मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि ये बात सत्य है कि जब संतों को या किसी को, मेहमान को जब आप भोजन कराते हैं तो आप सिर्फ भोजन ही नहीं कराते हैं, आप उसको अपने संस्कार भी परोसते हैं कि आप अपना संस्कार कैसा है। आप भोजन लिए और हाथ में ही लेकर के चले गए, ऐसा लगता है कि हम अर्थिकर नहीं करते नहीं, बढ़िया से शुद्ध पात्र में धो करके उस भोजन को रखिए उसके पास, उसके बाद आप संतों को, सज्जनों को, आए हुए भक्तों को भोजन कराइए, फिर देखिएगा उसका आनंद। इससे अपने संस्कार की छवि झलकता है कि हमारा संस्कार कैसा है, हमने कैसा सीखा। बहुत से साधु संत हैं जो संत तो हो गए हैं, वेश पहन लिए हैं, किंतु उनको भी ढंग नहीं है। बहुत से संत को हम देखते हैं, जगह जगह जाना होता है, शौचालय से निकले बिना हाथ धोए, और हाथ धोए भी तो क्या, हम लोग कभी कभी स्नान करते रहते हैं और वहीं पर आते हैं, और साबुन तक जब कहते हैं कि आप शौच करके निकले हैं हाथ नहीं धोए, तो इधर उधर ताकने लगते हैं साबुन, और कभी कभी तो हमारा साबुन रखा रहता है उसी को लेकर के हाथ धोने लग जाते हैं। इतना भी नहीं कि हम शौच करने गए हैं तो हमें साबुन से हाथ धोना है तो हम साबुन लेकर के जाए, कपड़ा फैलाना है तो रस्सी लेकर के हम जाए, नहीं, कोई संत रस्सी लगाए है तो उसी ने अपना रस्सी में कपड़ा डाल दिया। मेरे कहने का मतलब है कि एक एक चीज पर हमें सावधानी की जरूरत है। जैसा हम खाते हैं वैसा हमारा मन बनता है। हम कितनों भी गीता रामायण का पाठ कर रहे और बिना सिकी हुई कच्ची रोटी खा ले तो क्या वो गीता रामायण हमारे पेट को ठीक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अनेक अनेक बातें हैं जो हमें सीखने की जरूरत होती है। और जब भोजन हम बनाते हैं तो कभी कभी ये होता है कि कोई व्यक्ति को कह दिया जाए जाओ भोजन बना दो, तो ऐसा लगता है कि उसको सिर पर पहाड़ का बोझ दे दिया। भोजन श्रद्धा से बननी चाहिए, और जिसके पास श्रद्धा नहीं है तो फिर वो भोजन रुचिकर नहीं होगी। प्रेम नहीं है तो भोजन रुचिकर नहीं होगा, वो तो जैसे तैसे अपना ड्यूटी निभा लेगा, और जो ड्यूटी समझेगा फिर उसके संस्कार नहीं बनेंगे, फिर तो केवल ड्यूटी ही करेगा। इसलिए जब हम भोजन करते हैं, चाहे संत के लिए हो जो भोजन बनाते हैं, चाहे वो संत के लिए बनाएं या घर परिवार के हमारे अपने लोगों के लिए बनाएं, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए और शुद्धता होनी चाहिए। बिना हाथ धोए तो किसी चीज को छूना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, बिना हाथ धोए छू देते हैं। संत लोग अधिकतर जब कोई पारस करते हैं या कोई किसी सामान को छूते हैं तो संत लोग अधिक प्रायः कहा करते हैं कि पहले हाथ धो लो। हाथ क्यों धोने के लिए कहते हैं? अभी हम यहाँ बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, परंतु धीरे धीरे उसी सत्संग सुनते सुनते पैर के तलवे भी रगड़ रहे हैं, नाक भी छू रहे हैं, मुंह भी छू रहे हैं, और वो हाथ गंदा हो गया, हुआ कि नहीं? हो गया गंदा। अब उसके बाद उसी हाथ पर हम जाएंगे और रोटी छू करके पारस करने लगेंगे, कितनी गंदी बात है, गंदी बात है कि अच्छी बात है? और इस चीज को हम कह देंगे कि हाथ धो लो तो उसको लगता है कि साहब हमें अछूत मानते हैं, हमें नीचे मानते हैं। अछूत हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि तुम्हारे हाथ गंदे हैं, तुम्हारे हाथ ठीक नहीं है, इसलिए अछूत मानने की बात है। लेकिन उसी जगह में साफ सुथरा रहे, हाथ धो करके साबुन से, मिट्टी से, पानी से हाथ धो करके ही आपको कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अध्यात्म की जितनी भी चर्चा करें, यदि मन
और तन, तन और मन साफ नहीं है तो ये सारी चर्चाएं बेकार है। सदगुरु, हमारे संतों ने कहा है कि बाहर सफा भीतर सफा, टाकर साहिब काहे खफा। जिसका मन पवित्र है, जिसका तन पवित्र है, और तन और मन पवित्र हो गया तो उसका साहिब खफा क्यों रहेगा, उससे नाराज क्यों रहेगा। यहाँ तो हमारा तन तो गंदा है ही, साथ साथ मन भी गंदा है, इसलिए हमसे परमात्मा, हमारे खुदा हमसे नाराज है। तो मैं आप सबसे एक ही निवेदन ये करूँगा कि मन को साफ करने से पहले तन की सफाई जरूरी है। वैसे तो जरूरी दोनों हैं, लेकिन तन को साफ करना ये सरल बात है, मन को साफ करना तो थोड़ा सा कठिन बात है, वो तो ध्यान साधना का विषय है, किंतु तन को साफ करना अपने हाथ में है। तन की सफाई हो, बढ़िया साफ सुथरे जगह बैठें, अच्छी अच्छी चीज़ों को सेवन करें, ये नहीं कि जैसे तैसे मिले नमक मिर्च खूब डाल दिए भोजन में और वैसे भोजन कर रहे हैं। जो शरीर को कष्ट दे ऐसा भोजन करने से मतलब क्या है। तो मन के साथ साथ तन की भी सफाई जरूरी है। अब हम चूल्हे पर हमारी हंडी चढ़ी हुई भोजन बना रहे हैं, अब गरम हंडी है, अब उसको उतारना है तो उतारने के लिए कपड़े चाहिए, तो कपड़ा कौन सा रहेगा। वही जो पुराना फटा हुआ अपना जो रहता है बेकार के, उसी कपड़े से हम उतारते हैं। कोई अंडरवियर का भी प्रयोग कर देता है, कोई बनियान का प्रयोग कर देता है, माताएं अपनी साया साड़ी का उपयोग करते हैं। ये कितनी गंदी बात है, कितनी अशुद्धता की बात। हम खाने के लिए, संतों ने कहा है कि अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, और ब्रह्म को हम शुद्धता से न बनाएं, उसमें अशुद्धता ही रखें, तो ये कौन सी महानता की बात है। तो हम भोजन जो बनाते हैं तो उसके लिए साफ सुथरा कपड़ा रखें। देखिएगा, आप संतों के पास जब जाते हैं भोजन बनता है, संत जन अपने से भोजन बना करके पहले सेवन करते थे, ग्रहण करते थे, उसका कारण क्या था, यही ना वो साफ कपड़े रखते थे, ना साफ बर्तन रखते थे, ना हाथ पैर धो करके भोजन बनाते थे, बस जैसे तैसे वैसे बना देते थे। इसीलिए हमारे संत, आज भी हमारे पारखी संत जो सदगुरु श्री अभिलाष साहेब के जमात में चलते हैं, या उनसे जो प्रभावित संत हैं, वे जहाँ भी जाते हैं अपने हाथों से ही भोजन बना करके करते हैं, क्योंकि देखते हैं कितनों भी कहो कि इस प्रकार से शुद्धता से बनाओ तो मानने वाले नहीं हैं, वो अपने मन के ही करेंगे। तो बर्तन साफ हो, उतारने वाले कपड़े साफ हो, जिस जगह भोजन बना रहे हैं वो साफ हो, इससे क्या होता है, इससे हमारे संस्कार बनते हैं। केवल यहाँ मंडाल में बैठ करके हम सत्संग सुन लें, इतने में हमारे संस्कार नहीं बन जाते हैं। संस्कार तो तब बनते हैं जब वो सुने हुए शब्द हमारे कर्म में, आचरण में उस पर आधारित तो हो जाता है, उस पर उतर जाता है, तब वो काम आता है। इसलिए मैं आप सबों से निवेदन करूँगा, माताएं हो, भाई हो, जो भी हों, जब भी आप भोजन बनाएं या स्नान करें, शौच जाए, तो उसके पहले साफ सफाई के बिल्कुल ध्यान दें, और बिना साफ सफाई दिए, और जो तन की सफाई नहीं कर सकता वो मन की सफाई क्या खाक करेगा, वो कभी नहीं कर सकता है। इसलिए तन की सफाई और मन की सफाई ये दोनों जरूरी है, और इस पर ध्यान देना होगा। मैं आप सबको एक सलाह दूंगा कि कबीरपंथी संतों का जीवन, कबीरपंथी भक्तों का जीवन कैसे होता है, यदि उसको जानना है, सीखना है, तो इलाहाबाद से प्रकाशित सदगुरु कबीर साहब ने, सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी द्वारा लिखित कबीरपंथी जीवनचर्या, छोटी सी पुस्तक है, कबीरपंथी जीवनचर्या के नाम से वो पुस्तक है। आप उसको रखिए और पढ़िए और देखिए कि वास्तव में साधुओं का जीवन कैसा होता है। ये नहीं कि साधु हो गए तो वो साधु के लिए है, साधु वैसे शुद्ध रहे, साफ सुथरा रहे, हम तो जैसे हैं वैसे रहें, ऐसी बात नहीं। सुख आप भी चाहते हैं, शरीर की, शरीर में पीड़ा ना हो आप भी चाहते हैं, शरीर में दुख ना आए आप भी चाहते हैं, तो जो संत करते हैं वही आपको करना पड़ेगा। शरीर में पीड़ा ना आए इसलिए शरीर की सफाई, मन में पीड़ा ना आए इसलिए मन की सफाई, ये सब हमें इस सत्संग के माध्यम से मिलता है।
और केवल आत्मज्ञान और बड़ी बड़ी बातें करने से जीवन में सुधार नहीं आएगा। छोटी सी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। झाड़ू कैसे लगाना है, थूकना कहाँ है, किस दिशा पे चलना है, इन सारी चीज़ों को जब हम ध्यान देते हैं तो फिर यही छोटी छोटी चीज़ें हमें महान बना देती है। तो आप सब मन के सफाई के साथ साथ तन के सफाई और मन की सफाई, इन दोनों पर ध्यान दें तो जीवन में शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर की सफाई होगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मन की सफाई होगी तो मन स्वस्थ रहेगा, और इससे बड़ा सुख फिर कहाँ मिल सकता है। तो मैंने कुछ देर आप लोगों के बीच कुछ चर्चा की इन्हीं शब्दों के साथ। वाणी में विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। विचार से